सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। प्रिया संसे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो यहाँ मॉर्निंग मॉर्निंग में बच्चों को बना रहे हैं टिफिन। तो आज हमारी छोटी बेटी का रिक्वेस्ट है कि मम्मी, मतलब फरमाइश जो भी बोलो, रिक्वेस्ट भी फरमाइश भी, ये उन्हीं लोग का चलता है आजकल भाई। और टिफिन में तो मेन हम उन्हीं लोग का सुनते हैं, क्योंकि टिफिन में हम अपने मन का कुछ नहीं बनाते, क्योंकि अगर उनके मन का नहीं बना के देंगे तो वो खाएंगे नहीं। तो रात को ही बोली थी मम्मी मुझे पास्ता बनना चाहिए, और वो भी म्यूनिस पास्ता चाहिए। मतलब चलिए आपको दिखाते हैं कैसा मैं बनाती हूँ, और आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा, जैसे होटलों में मिलता है ना वैसे ग्रेवी वाला। तो चलिए, जो हमारे पास था उसी सामान से हम बना दिए हैं म्यूनिस पास्ता, उसी चीज़ से। मतलब ज़्यादा कुछ शिमला मिर्च वगैरह ये सब खाती नहीं है, उसमें बीन्स वगैरह भी पड़ता है, कॉर्न पड़ता है, लेकिन जो था उसी से बना दिए। वीडियो में बने रहेंगे तो आपको देखने को सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं, लहसुन बहुत सारा कट करके एकदम चॉप करके बारीक बारीक डाले हैं, और उसके बाद एक मिर्ची डाले, बस एक ही मिर्ची डाले हैं। और उसके बाद आप देखिए उसको लाल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कांदा का जो नीचे का भाग होता है ना वो डाल दिए हैं, मतलब जो मेन कांदा। उसके बाद हम कांदा थोड़ा लाल हुआ तो डाल दिए हैं पास्ता। पास्ता भूनने के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाले थे, आपको मतलब स्किप हो गया होगा क्योंकि हम ही को बनाना था, और हम ही को। तो यहाँ पे हम देखिए डाल दिए हैं सेजवन सॉस। तो यहाँ पे म्यूनिस भी डाल दिए हैं सब फटाफट बना के, और टमाटो सॉस भी डाल दिए हैं। तो बन के एकदम एकदम लाजवाब सा टेस्टी सा होता है, और मेरी बेटी बहुत तारीफ करती है। तो वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिए कैसा बना है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय प्रिया संसे ब्लॉग। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं मॉर्निंग का किचन का, आप देखे ही होंगे क्या मैं मॉर्निंग मॉर्निंग में बच्चों को टिफिन दी थी। और चलते हैं दोपहर का खाना बना लेते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और देखते देखिए आप क्या बना रहे हैं। तो मेरी बड़ी वाली लड़की का फरमाइश है मम्मी मैं आऊंगी तो ये चीज़ बनना चाहिए, तो मैं सोची आप लोग को भी दिखा देती हूँ और झटपट बना सकते हैं। मैं सुबह ही भिगाई और अभी थोड़ा उबाल ली, उसके बाद बना ली। तो मेरी लड़की को ना ये सब ज़्यादा पसंद है, अभी पता नहीं कि उसका ऐसा मन हो रहा है ना, जब से उसको दांत का कैप का चालू है ना ट्रीटमेंट, तब से वो दाल और खाना बहुत कम पसंद कर रही है, उसको कुछ चटपटा चीज़ खाने का मन करते रहता है हमेशा। यहाँ पे देखिए हम कुकर चढ़ा लिए हैं गैस पे। चलिए बैक कैमरे पर आपको दिखाते हैं सब कुछ कैसे कैसे हो रहा है। तो बाबू वहाँ सुन रहा है राम जी का सॉन्ग। बैक कैमरे पे देख सकते हैं मैं मटर को उबाल ली हूँ खूब अच्छे तरीके से, हल्दी नमक और थोड़े से खड़ी मसाला डाल के। और यहाँ पे लहसुन ले लिए हैं, इतना छीलेंगे भी, और कांदा ले लेते हैं और टमाटर ले लेंगे खूब अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो देखिए जो इस समय नए बटाटे आ रहे हैं उसके उसकी मट्टी मेरे कांदे पे लग गई है। चलिए वीडियो में बने रहिएगा और इसका भी हम अच्छे से पेस्ट बनाएंगे, इसके बाद बनाएंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हम छोले के अपने मसाला पूरा डाल दिए हैं और भून रहा है, एकदम अच्छे से भून जाएगा तो फिर हम डाल देंगे छोले। और छोले में सारे गरम मसाला मैंने डाल दिया है, तो गरम मसाला मैंने कुछ डाला नहीं है, आप अक्खा डाला इसमें देख सकते हैं, और खाली इसमें ना जो अंदर है इसके बस जीरा मिर्च का पाउडर डाला है। और आपको दिखाया है पीसे समय लहसुन और मिर्ची टमाटर अदरक का पेस्ट और प्याज का, मतलब सब लोग हो सब चीज़ हो गया है इसमें। और पेस्ट सारा इसमें पहले भून जाएगा, उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर से डालेंगे गरम मसाला, उसके बाद डाल देंगे। तो बस वीडियो बने रहिए, आपको फाइनल लुक दिखा देते हैं अभी कुछ टाइम में ही। देख सकते हैं हमने यहाँ मिर्ची पाउडर भी डाल दिया है और गरम मसाला भी डाल दिया है, इसका कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और बनने के बाद तो हम दिखाएंगे पहले, मेरी बेटी जब तक आएगी तब तक मेरा छोला रेडी करेगा। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाला भून गया है, और मसाला और तेल अलग हो गया तो आप समझ जाइए मतलब हो गया है। देखिए नज़दीक से दिखाते हैं, मसाला अलग तेल अलग होने लगा है, थोड़ा दो मिनट हम और भून लेंगे। यहाँ पे हम मटर भी डाल दिए क्योंकि कोई कैमरा पकड़ने वाला है नहीं, तो मैं अपना काम करके आपको दिखा रही हूँ, मसाला डाल के फिर आपको दिखा दी थी। तो अभी मटर भी डाल दी आपको दिखा दी थी, इस पर मटर डाल दी हूँ, बस इसको भी कुछ टाइम तक भूनेंगे, ऐसा नहीं है डाल के पानी नहीं डालना है, पाँच मिनट के लिए रख देना। तो देखिए यहाँ पे पाँच मिनट हो चुका है, देखिए अभी भी ये
5 मिनट और। इस छोले में अगर आलू ना पड़े ना तो कोई मजा नहीं है। तो ये आलू हम काबली चने में नहीं डालते हैं, लेकिन ये जो मटर के छोले हैं उसमें बहुत प्यारे लगते हैं। उसकी ग्रेवी जो है ना बहुत ठीक होती है इसकी। मार्केट में छोले खाए होंगे तो छोले के साथ आलू की ग्रेवी खाए होंगे, कमेंट करके बताइए कैसे खाए हैं आप। चलिए अब डाल देते हैं इसी स्टेज पे पानी। वैसे यहाँ पे लगा दिए हैं कुकर पैक। अब इसमें बाद में जब कुकर खोलेंगे तो हरी धनिया डालेंगे, आपको खोल के दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तब तक हम खा लेते हैं अपना ऑरेंज। और काला नमक के साथ कौन कौन खाता है फ्रूट, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे बन चुका है मेरा, अभी ये धनिया भी मैंने काट लिया हरी हरी धुल के। और यहाँ पे देखिए बच्चे भी आ चुके, जब तक हमारा बना ना तब तक बच्चे यहाँ पे आ गए, फ्रेश हो गए। मिलाते हैं इनका, देखिए शक्ल कैसा होते जा रहा है दिन पे दिन। ये ना लेती जाती है दौड़ भाग, ये दुनियादारी डांस फांस सारा खेल अपना करने लगती है। लेते हैं खाना बच्चे लोग का, वीडियो में बने रहिए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे चूल्हे का कलर रंग वो तो यहाँ पे डाल देंगे हम। तो आप जानते हैं हम जब चाइनीज खाने में डाल देते हैं धनिया, तो छोले में क्यों नहीं डालेंगे। ये मेरा फेवरेट डिश रहता है। तो यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं प्लेट। हम इसको कैसे उबल रहा है बेबी, मेरे को आलू नहीं दे रहा, खाली छोला दे रहा। मेरे को आलू नहीं, खाली छोला। ओके, तो चलिए पहले निकाल देते हैं अपने बेटी का खाना। यहाँ पे निकाल देते हैं और दो मेरे को छोला। ओके देते हैं। तो चलिए यहाँ पे प्लेट लग गया है, किसको किसको खाना है आ जाइए। आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए गरम गरम छोले खाने के लिए। लोग का खाते समय भी मस्ती चल रहा है तो पूछते हैं कैसा बना है, कैसा बना है। गुड गुड गुड, उनको अच्छा लगा तो उनका तो फेवरेट है, वो खाने में लग गई, बोली नहीं गई कैसा है। तो पहले नींबू उगार लेती हैं अच्छे से तब खाती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका मस्ती, ये आ जाती है स्कूल से तो इतना मस्ती करता दांत पीस पीस के ना, क्या पता। चलो खाने का, चलो जरा चलो खाने में गिर जाएगा। सो हे गाइस, तो आप लोग को कुछ सरप्राइज दिखानी है जो कि आज क्या हुआ। तो यहाँ पे हॉल में तो बैठे हैं पापा, तो मैं अभी खाना बना रही थी इधर, मैंने पापा का वॉलपेपर चेंज कर दिया। तो आज आ गए हैं मेरे हस्बैंड जी भी, और उनका मोबाइल देख के सरप्राइज देना था मुझे दिखाना। और पता है आपको कैमरा उस समय मुझे चालू रखना चाहिए था, जैसे ही मैं नीचे उतरी ना लिफ्ट के पास पापा खड़े थे। कौन है? मैंने पापा का वॉलपेपर चेंज कर दिया। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और दिखाते हैं हस्बैंड जी क्या क्या। और कुछ तो ज्यादा लाए नहीं गांव से, और मेरी मम्मी थोड़ी बहुत जो मैं मांगी थी मम्मी से गांव की, थोड़ी हरी धनिया लहसुन। और दिखाते हैं आपको क्या दिए मेरी मम्मी मेरे लिए, बना के दिए थोड़ा पथुआ का साग। तो चलिए आपको दिखाते हैं, मैं गर्म कर रही हूँ और खाऊंगी भी, वीडियो में बने रहिए। छी पापा पहने हैं गांव में, निकालो धोना है, मार खाओगी अभी, निकालो मेरे पास से पैसे उतरो। गांव में इतना दिन तक वो पहने हुए थे वही कपड़ा पहन ली। तो चलिए और बात कराते हैं आपको हस्बैंड जी से, मिलाते हैं। और आज का तो पूरा दिन निकल गया अकेले अकेले, अभी जस्ट मतलब आधा घंटा एक घंटा पहले मैं गई थी दूध लाने। तो जैसे ही मैं लिफ्ट का दरवाजा ओपन कर रही थी वैसे सामने, तो ये भूत राम ने मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं है, आगे पीछे मेरे घूमते ही रहते हैं। तो देखिए मैं इसको गरम कर रही हूँ, लहसुन मिर्चा इसमें डाल दे रही हूँ। तो देख सकते हैं बना के मम्मी भेजी थी, ठीक है 2 ही घंटे में तो आ जाना था। तो मेरा बहुत फेवरेट है मेरा, वाओ। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है बाप बेटे की मस्तियाँ, और जो कि इतने दिन से मारा नहीं था और मस्ती नहीं किया था ना, तो आज सारा बदला ले रहा है, वो भी गाइस बोल रहा
हम बोलते गाइस, तो आज हम अपने पापा को जितना दिन नहीं मस्ती किए थे ना, सारी मस्ती आज निकाल रहे हैं। आज कितने दिन बाद आए, कितने दिन हो गया, कितना दिन हो गया? ओ गाइस वाले, कितने दिन बाद आए, क्या पता, याद ही नहीं है। गए थे 29 को, 28 को ना आए हो, 5 तारीख को, तुमको डेट ही नहीं याद है, कैसे हो गए? ओ मैं बेटू बेटू मार के हलवा बना, पुट 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 मुंह बैठ जाएगा। भगवान पकड़ पकड़ पकड़, बोला आप जाओगे छोड़ के, बोल जाओगे, पूरी नहीं बनी पापा, बोल रोटी बनाओ। हेलो, उसको पूरी चाहिए था ये आवाज नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन लोग की मस्तियाँ चल रही है, हमारी लड़कियाँ मांग रही है खाना, हम चलते खाना निकाल देते हैं, इन लोग की मस्ती चलती रहेगी, पता नहीं कितने घंटे चलेगी। सब बदला अपना निकाल रहा है, माँ के दर पे वही है। पूछ आप जाओगे छोड़ के मुझे, गिरा दिए, पूछ आप जाओगे, पूछ अपने लिए डरने लगता है, पूछो आप जाओगे, अंश पूछो जाओगे, अंश पहले पूछो जाओगे, नहीं छोड़, कौन था? पपीते पपीते, ची ची, गंदे लोग, पूछो पापा से आप जाओगे, अंश पूछो जरा, जाओगे जाओगे? अभी तो पता नहीं क्या कर रहा है उसका, बस चलो तुम्हारा हलवा बनाते। इतनी मस्ती हो रही, बस करो बस करो, चलो खाना खाओ, चलो चलो खाना खाओ, बाप रे, हो, तुमको याद आती थी कि नहीं उसकी? नहीं आती थी ना, सोच रहे होगी अकेले घूम रहे थे, मजा रहा, जाने दो, सबसे टेंशन फ्री घूम रहा हूँ, सारे जवाब छोड़ के कम से कम दिमाग फ्रेश हुआ होगा, 10 दिन है ना। मत यार उल्टा पुल्टा मत करो, उसको ही लड़ने दो, तू क्यों लड़ रहा है या। चलो अब खाना खाओ, बस करो बस करो, आज बस करो, खाना खा लो, चलो गया गया गया, दौड़ा दौड़ा दौड़ा। अरे यार, तो मुंह फुला के बैठी हैं पूड़ी के लिए, अब वो बोले रोटी बनाओ, ये बोली पूड़ी बनाओ, तो हम सोचे जाने दो, इतना दिन से घर वहाँ पे पूड़ी पूड़ी खा के वो बोर हो गए होंगे, इसीलिए बना दी। तो सफर से आए ना, तो सादा खाना खाने का मन करता है, ठीक है कल बना दूंगी, सुबह बना दूंगी, चलो पूड़ी कौन सी बोली बात। So hey guys, तो यहाँ पे खाना वाना खा लिए, और खाना वाना खाने के बाद हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा कपड़ा वपड़ा चेंज करेंगे। हम तो आपको कितनी बार बता चुके हैं कि मेरी आदत सी हो गई है, ठंड पड़े या गर्मी, नहाए नहीं आज, झूठे घर से ही निकले मेरे, ना बिना नहाए निकले हो, यहाँ पे अभी आके नहीं नहाए, देख लीजिए, एक मैं हूँ कि मैं दोनों टाइम नहाती, फ्रेश हूँ, काम इतनी ज्यादा ठंडी पड़ रही थी, हिम्मत था नहाने के लिए सुबह सुबह, माँ को पूछता सुबह 7 बजे नहा लेता था, वो भी तो बिना नहाए फ्लाइट पे बैठ गए थे, और यहाँ आए तो नहाए भी नहीं। तुम्हारा बार बार उड़ रहा है यार, वही नहीं बाल वहाँ वहाँ जगह जो पैक हो गया, क्यों चिकना हो गया है, तो चलिए वीडियो को कर देते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, चलते भी फ्रेश हो जाते हैं, और बाबू भी पूरा दिन दो मतलब दोपहर में सोता ही नहीं, मैं भी नहीं सोती हूँ, मुझे तो जाना रहता है, नींद ही नहीं आता, ऐसा होता है ना।
ऐसा लगता है कि मैं सो ना जाऊं इसी वजह से। तो कल का क्या बात करोगे अरविंद जी? 5:30 तो चलिए वीडियो कर देते हैं एंड। और हमारा भी कुछ ट्रेनिंग कुछ रह गया मुझे लगता है 8 दिन और ना, आज 7-8 दिन ही रह गया बाकी। 5 बजे के ही टाइम से करूँगी करके अपना हटा, लेकिन यार बहुत सर दुखने लग रहा है। तो फिर ना ही फ्रेश नहीं होता, तो चलिए वीडियो कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।